ल्यूमेंस ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सेल एंड रिटर्न स्क्रीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये सेल एंड रिटर्न स्क्रीन है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है। इसे आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में से चेंज भी कर सकते हैं। ये सेल पर्सन का एरिया है। आप इस एरिया से F1 प्रेस करके तमाम सेल पर्सन को देख सकते हैं और उनमें से किसी एक को सेल के लिए मुंतखब भी कर सकते हैं। ये मेंबर कस्टमर का एरिया है। आपकी शॉप के कस्टमर क्लब के तमाम मेंबर इस एरिया से F1 प्रेस करके सामने आ जाएंगे और आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। या ये एरिया वॉकिंग कस्टमर का नाम लिखने के लिए है। अगर इनवाइस बनाते वक्त कोई नया कस्टमर लॉयल्टी क्लब का मेंबर बनता है तो आप इस ऐड साइन से नए कस्टमर को लॉयल्टी क्लब का मेंबर बना सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट का एरिया है। अगर आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट की कोई लिमिट दे रखी होगी तो वो यहाँ शो हो रही होगी। ये रिसीवेबल अमाउंट का एरिया है कि आपने उस कस्टमर से क्रेडिट की कितनी अमाउंट अभी रिसीव करनी है। ये क्वांटिटी का एरिया है। आप इसमें क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी की आपने इनवाइस बनानी हो। ये प्रोडक्ट कोड का एरिया है। यहाँ आप कोड लिख सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं या F1, F5 या F6 के ज़रिए हेल्प विंडो कॉल करके कोड एंटर कर सकते हैं। ये हेल्प विंडो होल्ड चेकबॉक्स है। इसे चेक करने के बाद हेल्प विंडो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद खुद बहुत गायब नहीं होगी, बल्कि हेल्प विंडो को खुद ऑफ करना पड़ेगा। ये शो पिक्चर चेकबॉक्स है। इसे चेक करके प्रोडक्ट की सेव करवाई हुई तस्वीर देखी जा सकती है। ये रिटर्न का बटन है। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट किसी वजह से रिटर्न करना चाहता है तो कैशियर इस बटन को प्रेस करके रिटर्न की इनवाइस बना सकता है। ये इनवाइस नंबर का एरिया है। ये डेट और टाइम का एरिया है, जिस डेट और टाइम में ये इनवाइस बन रही है। इस एरिया में जिन प्रोडक्ट की इनवाइस बन रही है उनके नाम और कोड बमा क्वांटिटी और प्राइस शो हो रहे होंगे। ये इनवाइस होल्डिंग का एरिया है। अगर कस्टमर इनवाइस बनते वक्त कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या किसी वजह से थोड़ी देर के लिए शॉप से बाहर जाता है तो कैशियर इस इनवाइस को जो बन रही है इस बटन से होल्ड करवा देगा और अब वो नई इनवाइस बना सकता है और उस कस्टमर के वापस आने पर इस बटन को प्रेस करके कैशियर उसी इनवाइस को रिकॉल कर लेगा। ये मोड ऑफ पेमेंट का एरिया है, यानी कि इनवाइस किस मोड ऑफ पेमेंट में बन रही है। अगर सेल टोटली कैश पर हो रही है तो कैशियर ये कैश मोड सेलेक्ट करेगा और अगर कस्टमर कुछ पेमेंट कैश में करता है और कुछ पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड देता है तो कैशियर कैश एंड
क्रेडिट मोड सेलेक्ट करेगा और अगर कस्टमर पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड देता है तो कैशियर ये क्रेडिट कार्ड मोड सेलेक्ट करेगा। क्रेडिट कार्ड मोड सेलेक्ट करते ही ये एरिया भी एनेबल हो जाएगा और कैशियर इस एरिया से क्रेडिट कार्ड कंपनी सेलेक्ट करेगा। ये एरिया जो इस वक्त डिसेबल है ये क्रेडिट यानी उधार की सेल के लिए है। ये सिर्फ उसी सूरत में अनेबल होगा जब किसी ऐसे कस्टमर की इनवाइस बनेगी जिसको आपने क्रेडिट यानी उधार की सहूलत दे रखी होगी। ये कैशियर कमेंट्स का एरिया है। ये ऑटो इनवाइस प्रिंट्स चेकबॉक्स है यानी अगर ये चेकबॉक्स चेक होगा तो इनवाइस सेव होने के साथ खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी। ये नंबर ऑफ कॉपीज यानी इनवाइस की जितनी कॉपियां प्रिंट करनी हैं। ये सर्च इनवाइस बटन है यानी अगर कैशियर कोई गुज़िश्ता इनवाइस चेक करना चाहता है तो इस बटन की मदद से कर सकता है। ये सेल एंड रिटर्न स्क्रीन को लॉक करने का बटन है। अगर कैशियर थोड़ी देर के लिए सिस्टम को छोड़ेगा तो वो इस बटन की मदद से इस स्क्रीन को लॉक कर देगा और वापस आने पर दोबारा लॉगिन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट पिक्चर का एरिया है। प्रोडक्ट की सेव करवाई हुई तस्वीर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही इस एरिया में शो हो जाएगी। ये ग्रॉस टोटल है। तमाम प्रोडक्ट की प्राइस का मजमूआ यहाँ पे आ रहा होगा और ये कस्टमर डिस्काउंट का एरिया है यानी जो डिस्काउंट आपने किसी खास कस्टमर को दी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ये मार्केटिंग डिस्काउंट का एरिया है। अगर मार्केटिंग डिस्काउंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया गया होगा तो यहाँ एंटर हो सकता है। ये नेट ग्रॉस टोटल है जो ग्रॉस टोटल में से कस्टमर डिस्काउंट और मार्केट डिस्काउंट को माइनस करने से हासिल होता है। अगर इनवाइस में किसी किस्म की एडजस्टमेंट करनी हो तो यहाँ से हो सकती है और इस एरिया से F1 प्रेस करने से ये एडजस्टमेंट परसेंटेज में भी हो सकती है। ये वैल्यू एडेड टैक्स का एरिया है। वैल्यू एडेड टैक्स को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में से कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। ये कट पीस चेक बॉक्स है। ये सिर्फ फैब्रिक्स बिजनेस में यूज होगा। ये नेट टोटल है जो कस्टमर ने कैशियर को पे करना है और ये कैश जो कस्टमर कैशियर को देगा और बैलेंस जो कैशियर कस्टमर को बकाया जात देगा। ये था सेल एंड रिटर्न स्क्रीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन।